संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमं भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था।